बर्बाद करने के लिए जो भी करते थे वो कम था जो अब भगवान का मजाक बनाने पर उतर आई है। मासी, मैं किसी को दर्शन करने से नहीं रोकूंगी, ये बहुत ही पवित्र कर्म है, लेकिन मैं गणपति जी को खुद घर लाई और मैं इनकी स्थापना भी खुद करना चाहती हूँ। इस घर में सब कुछ होगा, गणपति भी आएंगे, पूजा भी होगी। मिस्टर वालिया, आप यही सुनना चाहते थे ना कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप अच्छी तरह जानते हैं मैं ये सब सिर्फ अपने हक के लिए कर रही हूँ। आज अगर मेरी बीवी मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो उसमें तुम्हारी क्या गलती है? हाय टोनी, सर आप पिया मैम को बुलाना। मैं बुलाता हूँ। सर पिया मैम सो रही है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पिया मुझसे मिलना नहीं चाहती, ये बात मुझे पहले ही समझ जानी चाहिए थी। पिया मैम को कहना कि माँ ने उसके लिए गणपति का प्रसाद भिजवाया है। पुष्कर, अगर तुम्हारे पास थोड़ा वक्त है तो मैं तुमसे बात करना चाहूंगा। सुनो मैम, पुष्कर सर आए थे और आपसे मिलना चाहते थे क्योंकि आप सो रही थी, इसलिए मैंने कहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं और आप आराम कर रही हैं। वो ये गणेश जी का प्रसाद देके गए हैं और कहा कि माँ ने भेजा आपके। पुष्कर, तुमने आज भी मुझे गलत समझा होगा कि मैं जानबूझकर तुमसे मिलने नहीं आई। अच्छा कि हम दोनों की मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि मिलकर भी हमारे बीच झगड़े के अलावा और कुछ नहीं होना था। जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब हालात हद से बाहर हो जाते हैं और इस वक्त में जो रिश्ते, जो भावनाएं हम किसी और के लिए महसूस करते हैं सब बेमानी हो जाते हैं। जितना हम उन्हें हासिल करने की कोशिश करते हैं उतना ही वो हमसे दूर चले जाते हैं। और ऐसे में कभी कभी बेहतर यही होता है कि जो हो रहा है उसे होने दो, जो चल रहा है उसे चलने दो, सब कुछ वक्त और हालात पर छोड़। जैसे कुछ भी छोड़ना, कुछ भी भूलना इतना आसान नहीं है, एक इंसान जिसके साथ दो कदम का सफर तय किया है उसे भूलना बहुत मुश्किल है। लेकिन पुष्कर, मैं तुम्हें किसी को भी भुलाने को नहीं कह रहा। जब कोई तुम्हें भूल जाए, जब कोई तुम्हें एहसास दिलाए कि तुम्हारी कोई अहमियत ही नहीं, तो फिर तुम या कोई भी क्या कर सकता है? हम जीते हैं अपनों के लिए। अपने का मतलब होता है जो अपना बनते हैं। अब जब ये फीलिंग ही नहीं बचती तो एक होने का क्या फायदा? कोई भी रिश्ते में जब प्यार ही नहीं बचा फिर उस रिश्ते की क्या फ्यूचर हो सकता है? आप ठीक कह रहे हैं कि यादें खत्म नहीं होती, उन्हें मिटाया नहीं जा सकता,
हम अपने आप से सब कुछ अलग कर सकते हैं, लेकिन शायद यादें हमारे साथ ही खत्म होती हैं हमसे पहले। मैं चलता हूं। मैं जानता हूं मुश्किल, यादों को मिटाना आसान नहीं होता, लेकिन मैंने फैसला कर लिया, मैं इन यादों को मिटा कर ही रहूंगा। टोनी? यस मैम। मिस्टर वालिया कहाँ है? मिस्टर वालिया अपनी स्टडी में है। आई थिंक उनकी गोलियां लेने के बाद वो अब तक सो गए। ठीक है, तुम जाओ। जानती हूँ मिस्टर वालिया, कितने दुख और कितनी तकलीफ में है, कितनी ठेस पहुंचाई है मैंने आपको, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूँ आपको जिंदगी भर के दुख से बचाने के लिए, ये दुख सहना है। मिस्टर वालिया, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन हम एक साथ नहीं रह सकते, ये हमारा भाग्य है, हमारा नसीब। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। कहो, क्या बात है? दी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। ठीक है, भैया मेरे पर्स से ले लो। दी, मुझे थोड़े ज्यादा पैसे चाहिए। कितने पैसे? दी, मुझे 4 लाख रुपयों की जरूरत है। 4 लाख? क्या इस वक्त मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? ठीक है, मैं पैसों का इंतजाम करने की कोशिश करती हूँ। को इतने सारे पैसों की जरूरत, मुझे पता करना होगा। पिया, 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 बारे में कुछ नहीं बताया।
क्या हो गया है? अच्छा हुआ मिसेस वालिया आप यहाँ आ गई। मैं खुद पिया के हस्बैंड या उसके करीबी रिलेटिव से मिलना चाह रही थी। पिया का केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। आप उसकी बड़ी बहन हैं। आपको तो पता होगा कुछ दिन पहले पिया ने अबॉर्शन कराया था। दरअसल वो अबॉर्शन इतनी जल्दबाजी में हुआ जिससे पिया को उसका सामना करना पड़ रहा है। मिसेस वालिया पिया की ओवरी में इन्फेक्शन हुआ है। इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते इस स्टेज में पहुंच चुका है कि हमें तुरंत पिया का ऑपरेशन करना है। अगर वो ऑपरेशन करना है तो इससे ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। हमें मान लिया पिया को बता चुकी हूँ इस ऑपरेशन में करीब 4 लाख का खर्चा। मिसेस वालिया पिया की ओवरी में इन्फेक्शन हुआ है। अगर ये ऑपरेशन जल्दी नहीं हुआ तो इससे बहुत सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। मे बी पिया जिंदगी भर माँ ना बन पाए। इस ऑपरेशन में करीब 4 लाख का खर्चा होगा। इतने पैसों का इंतजाम मैं कहाँ से कर पाऊंगी? एक बहन यहाँ पर प्लेट भर के फ्रूट्स खा रही है और दूसरी खाने में कपड़े पकने का इंतजार कर रही है। तुम बहन मैं कह रही थी फ्रूट्स तुम्हारे लिए खाना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर तुम्हें इसी तरह से फिट और हेल्दी रहना है तो तुम्हें फ्रूट्स खाना जरूरी है। फ्रूट्स ही खाने चाहिए तुम्हें, है ना रानू? ये क्या है सर? किचन इतना गंदा क्यों? सफाई क्यों नहीं हो रही है? और ये सुबह के बर्तन अभी तक क्यों पड़े हैं? वापस सफा के रखो। हम अभी मिलकर सब काम निपटा लेंगे। नहीं बेटा, तुम क्यों आओगी? तुम्हें किचन में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे ही ऑफिस का काम संभालती हो, साहिल को संभालती हो, बहुत है। और वैसे भी तुम्हें आज मेरे साथ मेरी फ्रेंड से मिलने जाना है। मेरी फ्रेंड्स तुम्हें बहुत पसंद करती है। पता मेरी फ्रेंड्स क्या कहती है? बहू हो तो रानू जैसी और सास हो तो जिज्ञासा जैसी। चलो जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जाओ। अरे हाँ, और प्लीज हो सके तो वो जो मैंने साड़ी दी थी वो पहन ले, वो रंग तुमको बहुत अच्छा लगेगा। जाओ, चलो भागो। जी आजकल खाने में मिर्ची कुछ ज्यादा ही पड़ रही है। हम लोगों को तीखा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या हो गया बेटे? किचन का सब ध्यान रखोगी ना? और शाम के खाने की तैयारियां भी कर लेना। मैं रानू के साथ बाहर जाऊंगी। इंटरव्यू के लिए मैंने अपॉइंटमेंट तो ले ली है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें इस हालत में जॉब करने की जरूरत क्या है। पुष्कर, मुझे अपने लिए और अपने बच्चे के भविष्य के लिए जॉब तो करना होगा ना। अब तक मेरा या मेरी बहनों का फ्यूचर भी सिक्योर नहीं है। तुम जानते हो डिवोर्स के बाद आलिनी के सारे पैसे मैं मिस्टर वाले को लौटा दूंगी, फिर मेरे हक में कोई भी पैसे नहीं होंगे। कितना फर्क है तुम्हारे और पिया में। तुम्हारे और मिस्टर वालिया के बीच जो रिश्ता एक मजबूरी में बना, उसके लिए भी बिना किसी स्वार्थ के तुम मिस्टर वालिया की खुशी के लिए इतना कुछ कर रहे हो। और एक पिया जिसने मुझसे शादी की क्योंकि हम एक दूसरे को चाहते थे, दूसरे से प्यार करते थे, जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया, और अचानक मुझे इतना बड़ा धोखा दिया।
यस मिसेस वालिया, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया है। पानी तुम जाओ, मैं यहीं रुकता। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, मैं कम इन। यस कम इन। आइए मिसेस वालिया, आपके कदम पड़ते ही हमारा नया ऑफिस तो धन्य हो गया भाई। उस दिन तो आप अपने आदर्श वसूलो और वो क्या कहते हैं, हाँ, किसी की निजी जिंदगी पर भाई क्या स्पीच दिया था आपने। वाकई आपको यहाँ देखकर हमारी खोई हुई खुददारी की याद ताजा हो गई मिसेस वाली। और उस दिन क्या खबर ली थी आपने हमारी, आपको यहाँ देखकर बहुत ताज्जुब हुआ मिसेस वाली। और आजकल आपकी खुददारी के तो चर्चे हैं पूरे शहर में, सुना है पूरे 50% का क्लेम किया आपने मिस्टर वालिया पर। तो फिर कौन सी मजबूरी आपको मेरे ऑफिस तक ले आई मिसेस वालिया? अरे भाई मिसेस वालिया मजबूरी में हमारा ऑफिस ज्वाइन करने आई हैं, इनको पूरे 4 लाख रुपए एडवांस चाहिए। ओहो रियली? ओह हेलो मिस्टर संग्राम। ये वही है ना जिन्होंने मॉरल इश्यू पर तुम्हारा मॉरल डाउन कर दिया? बिल्कुल ठीक कहा आपने मिस्टर संग्राम, ये वही है। पर आज ये अपना मॉरल घर छोड़कर यहाँ जॉब के लिए आई, और तुम लोग यहाँ पर बैठकर इनको एंटरटेन कर रहे हो। इनको यहाँ घुसने किसने दिया? एक्चुअली मिस्टर संग्राम, वो हमारा जो बैंक्वेट मैनेजर था वो जॉब छोड़कर चला गया बिना नोटिस दिए, और आज रात एक बहुत ही पॉश पार्टी है और ये लड़की बैंक्वेट मैनेजमेंट में एक्सपर्ट है। सो मिसेस वालिया, अभी अभी इन्होंने बताया कि आपको बैंक्वेट मैनेजर का अच्छा एक्सपीरियंस है। वी विल हायर यू देन। आप रिसेप्शन से लेकर अपना कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर सकती हैं। और हाँ, जहाँ तक एडवांस की बात है उसके लिए हमें ज़रा सोचना पड़ेगा। यू कैन गो मिस्टर बॉबी। थैंक यू सर। क्या हुआ, नौकरी मिली या नहीं? हाँ पुष्कर, मुझे वो जॉब मिल गया। ओह कंग्रेचुलेशंस बानी। चलो जॉब तो मिल गई, अब तुम्हें अपने हेल्थ का ख्याल रखना होगा। सो किसी भी चीज की ज्यादा चिंता मत करो तुम। हाँ पुष्कर। हेलो हेलो मिसेस वालिया, डॉक्टर अवस्थी बोल रही हूँ, याद है ना आज आपको रूटीन चेकअप के लिए आना है? जी डॉक्टर मुझे याद है, मैं बस अभी आ रही हूँ। ओके बाय। एक्चुअली मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है, प्लीज तुम मुझे छोड़ दोगे? श्योर बानी। चिंता की कोई बात नहीं है, पर नो स्ट्रेस नो ओवरवर्क। खाने पीने का पूरा ध्यान रखिए और दवाई वक्त पर लेनी है। जी डॉक्टर मैं पूरा ध्यान रखूंगी। थैंक यू। So we can go with it. Excuse me. Hello. Hello. मैं मिसेस वालिया की डॉक्टर बोल रही हूँ। जी बोलिए। आज मिसेस वालिया अपने रूटीन चेकअप के लिए आई थी। डॉक्टर क्या हुआ, वो ठीक तो है ना? वो काफी कमजोर लग रही थी और काफी स्ट्रेस में थी। आई थिंक वो अपना प्रॉपर ध्यान नहीं रख रही है और उनका हीमोग्लोबिन लेवल भी
काफी कम लग रहा था। मिस्टर वालिया, उन्हें रेस्ट और केयर की जरूरत है और उन्हें डाइट का ध्यान रखिएगा और उन्हें काम का या कोई भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। इस स्टेज पर उनका पूरा ख्याल रखने की जरूरत है। जी, थैंक यू मैम, ख्याल रखूंगा। ओके। किस बात की सजा दी? उसके साथ मैं तो